यूपी में अब योगी की सरकार है और योगी के काम करने के एक दिन के तरीके ने बता दिया कि वो मोदी के तरीके से ही काम करेंगे। सीएम बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने जिस तरह से सरकार का एजेंडा सामने रखा, वो ये संकेत दे रहा है कि यूपी की सरकार उसी अंदाज में चलेगी जैसे मोदी केंद्र में देश की सरकार चला रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पहली बार योगी ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात की, तो ठीक पीएम मोदी की तरह 15 दिन के अंदर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया। यहाँ सत्ता पर काबिज रही सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहाँ की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। संकेत साफ है कि मोदी की तरह योगी भी अपनी सरकार की साफ सुथरी छवि से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार जब मीडिया के सामने आए तो भ्रष्टाचार पर वार के साफ संकेत दे दिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। योगी ने भी वही मंत्र दोहराया जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने कई बार ये बात जोर देकर कही कि उनकी सरकार समाज के हर तबके के लिए बिना कोई भेदभाव के काम करेगी और विकास उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। यहाँ सत्ता पर काबिज सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहाँ की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। किसी तरह का कोई विवाद न हो इसके लिए योगी ने श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह को सरकार का प्रवक्ता बना दिया है और साफ कर दिया है कि कोई भी मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी ना करे। जो जो बातें हमने अपने दृष्टि पत्र में कही हैं, उन सभी बातों पर उन सभी बातों को लेकर दृष्टि पत्र को आगे रखकर ही हमारी सरकार आगे चलने वाली है। मैं एक और आपको टिप्पणी करना चाहता हूं, ये जो परिचय की बैठक थी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्री परिषद के सदस्यों को ये भी आग्रह किया है कि ये जो मैंडेट हमको मिला है ये विकास के लिए मिला है, बिजली पानी सड़क और सूबे में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो पूरी तरह से चरमरा गया है, तो लोगों ने जो किसान की जिस तरह से बदहाली है, नहर नालों में पानी नहीं है, तो हमें ये मैंडेट विकास के लिए मिला है, सुरक्षा के लिए मिला है। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये भी आग्रह किया गया है कि अनावश्यक रूप से सभी सम्मानित मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी इशू पर टिप्पणी करने से बचें, जिससे कि किसी की भावनाओं को कहीं कोई आहत ना हो। ये विशेष बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक में कही। मुझे लगता है कि हम नियमित रूप से आपसे मिलते रहेंगे और आपके माध्यम से भी हमारे पास जो सुझाव आते रहेंगे, सरकार उन सुझावों पर भी गंभीरता से अमल करती रहेगी। योगी आदित्यनाथ के काम करने के स्टाइल को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं, इसलिए अभी तक जो सामने आया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार में भी मोदी नीति का छाप दिख सकता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।